जय श्री कृष्णा कैसे हैं आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव डबल वन डबल वन में तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको अपना कौन सा संदेश देना चाहते हैं ठीक है अब जिनको सोचकर आप एक ऑप्शन चूज करेंगे ये रीडिंग उनसे ही रेजोनेट करेगी अब देखिए अगर जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं थोड़ी देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें बताई गई चीज़ें मुझसे मैच नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं टेंशन वाली कोई बात नहीं है एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें क्या पता कि वो मैच कर जाए क्योंकि जनरल रीडिंग है ना ये समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ठीक है हाँ जी जय श्री कृष्णा ऑप्शन नंबर वन कैसे हैं आप आई होप कि आप खुश होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे पॉजिटिव होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव डबल वन डबल वन में तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं और वो आपको अपना कौन सा मैसेज देना चाहते हैं ठीक है तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे इधर देखिए जो स्ट्रॉन्ग साइन आए हुए हैं वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस कर्क वृश्चिक मीन राशि आप में से किसी एक की हो सकती है ठीक है और देखिए इधर जो दूसरा साइन है वो है एरीस लियो सैजिटेरियस मेस सिंह लिब्रा एक्वेरियस भी है बट टॉरस वर्गो के की एनर्जी थोड़ी सी कम है ठीक है डियर uh, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इधर दो तरह की कंडीशन है अब आप हमें बताना कि आपकी कौन सी वाली कंडीशन है जो इधर कंडीशन नंबर वन है उसमें तो uh, कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है ठीक है लेकिन जो कंडीशन नंबर टू है उसमें uh, कुछ लोगों ने किसी न्यू पर्सन के लिए पाइल नंबर वन चूज़ किया है ठीक है तो इधर जो पहली कंडीशन है उसमें थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे अभी शायद आप दोनों के बीच बहस हुई है किसी बात को लेके या फिर उनकी शादी के लिए उनके घर में फ़ोर्स किया जा रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आना चाह रही है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में ऑलरेडी है जो भी है ठीक है मैटर थर्ड पार्टी का है इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि या तो आपने गुस्से में ब्लॉक कर दिया उनको या फिर उन्होंने आपको गुस्से में अभी ब्लॉक कर रखा है आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे चीट कर रही थी मुझे चीट कर रहा था ये अंदर से बहुत बहुत पॉजेसिव टाइप के इंसान हैं आप पॉजिटिव हैं लेकिन पॉजेसिव बहुत ज़्यादा हैं आप इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है आपको आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि कहीं इसने मुझे चीट कर दिया क्या अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई किसी को हर्ट करके जाता है कोई किसी को तकलीफ देता है ना तो हम ये सोच कर रोते हैं कि यार वो हम इतने होशियार होने के बाद भी हमें कोई कैसे इस्तेमाल करके चला गया जैसे वहाँ पे जैसे कि हमारा आत्मसम्मान छिन्न भिन्न हो जाता है ना तो तकलीफ़ इसी बात की होती कि मतलब किसी ने हमें यूज़ कर लिया हम किसी के लिए एक चीज़ जैसे थे एक वस्तु की तरह थे और किसी ने हमें यूज़ कर लिया तो इस बात को सोच कर अक्सर लोग रोते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा ही लग रहा है कि मतलब इसने मेरे साथ टाइम पास किया अभी थर्ड पार्टी के साथ खुश है अब इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है या फिर आपने ब्लॉक कर दिया तो इन्होंने एक बार भी आ, किसी नए नंबर से आपको मनाने की कोशिश नहीं की आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की एक बार भी मतलब रिश्ता ठीक करने की कोशिश नहीं की तो आपको अंदर से इस बात को लेके भी तकलीफ़ हो रही है कि भाई कैसा इंसान है ये कैसा प्यार करता था ये हाँ तो हम आपको बता देते हैं अभी उनकी वर्तमान भावनाएँ क्या हैं उनकी वर्तमान भावनाएँ ये हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको बहुत याद कर रहे हैं इवन कल रात को तो वो रो भी रहे थे आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे कि आपकी पिक्चर्स देख रहे थे बार बार ठीक है और वो बार बार ईश्वर से एक ही बात पूछ रहे हैं कि आखिर मेरी ज़िंदगी में दौर क्यों आया मेरी ज़िंदगी में आप ये मंज़र क्यों लेकर आए कि आज हमारा रिश्ता इस सिचुएशन पे आके खड़ा है या तो देखो आप दोनों के बीच ना कोई बड़ी बात हुई है कुछ ऐसा जिसमें जैसे कि वो अंतर से ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं तो उसकी वो शिकायत ना किसी से नहीं कर रहे हैं भगवान से कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं पता है उनका मैसेज है आपके लिए कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है पर एक दिन तुम भी मुझे मानोगे अब मैं कहूँगा नहीं मैं कहूँगी नहीं मैं प्रूफ करूँगी अपने एक्शन के थ्रू मैं दिखाऊँगी तुम्हें मैं दिखाऊँगा तुम्हें कि मैं भी तुमसे प्यार करता था करता हूँ और करता रहूँगा मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ कुछ भी कर सकता हूँ यार मैंने मतलब झगड़ा किया या फिर मैंने तुम्हें ब्लॉक किया फिर तुमने मुझे ब्लॉक किया तुम्हें मेरी अभी करंट की सिचुएशन जो भी हमारे बीच हुआ तुम्हें सिर्फ वो दिखता है मेरी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता मेरी लाइफ आसान नहीं है मेरी लाइफ जिग जैक जैसी है मेरी लाइफ बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है तुम्हें तो क्या पता कि मैंने बचपन से लेके आज तक का अपना समय किस तरह गुजारा है मुझे कैसे कैसे लोगों से मिलना पड़ा कैसे कैसे चीज़ों को फेस करना पड़ा मेरी जगह तुम होती तुम होते तो कब का मर जाते मुझे जज करने से पहले मेरा पास्ट देखो और आज जो मैं हूँ आज मैं जो भी हूँ अगर ये मेरा एक्सपीरियंस है या फिर मैं चिड़चिड़ी हूँ चिड़चिड़ा हूँ फिर मुझे जल्दी गुस्सा आता है या फिर मैं अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा तो मेरे पास्ट में जो मेरे साथ हुआ ना उसके सबक की वजह से इतना समझ लो तुम्हें तो शायद मुझ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं रहा तुम्हें तो शायद कभी लगा ही नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मुझे पता है मुझे पता है कि ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता पर मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो मुझे पता है जैसे कि आपने अगर इनको ब्लॉक कर रखा है ठीक है तो इनका मैसेज ये है कि मुझे पता है कि चाहे तुम मुझे ब्लॉक करो चाहे अनब्लॉक करो चाहे मुझसे बात ना करो चाहे इग्नोर करो चाहे मुझे जलाने के लिए किसी से रिश्ते बनाओ चाहे मुझे तड़पाओ लेकिन तुम्हारी रूह में मैं ही बसता हूँ मैं ही बसती हूँ जैसे कि कोई तुमसे कहे कि लास्ट विश मांग लो तो तुम मुझे ही मांगोगे मुझे ये भी पता है यार मैं पागल थोड़ी हूँ मुझे भी तो पता है कि कोई शख्स मुझसे इतना प्यार करता है और इतने प्यारे इंसान को इतना प्यार करने वाले इंसान को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ मैं कैसे चीट कर सकता हूँ मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ तो मेरी जान तुम निश्चिंत रहो हर हाल में मैं तुम्हें ही चुनूँगा हर हाल में मैं तुम्हें ही चुनूँगी मैं तुम्हारी हूँ मैं तुम्हारा हूँ और तुमसे तुम्हारा प्यार कोई नहीं छीन सकता आज तुम भी मेरे दिल की एक बात सुनो मैं भी तुम्हें आत्मा से प्यार करता हूँ आत्मा से प्यार करती हूँ माना मुझ में गुस्सा है माना कि कभी कभी मैं ओवर कं मतलब ओवर कर जाता हूँ कंट्रोल नहीं होती आ, कुछ ऐसी बातें जो गुस्से में मुझसे निकल जाती हैं ठीक है उसके लिए सॉरी लेकिन मेरा दिल तो देखो मेरी आत्मा तो देखो तुम उन चीज़ों का इंटेंशन कभी भी ऐसा नहीं रहा वो एक गुस्से में होता ना कि हाँ बस उसने मुझे हर्ट किया तो मुझे भी उसे हर्ट करना है बस यहीं तक बात ख़त्म हो जाती है बाकी कभी भी मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं रहा कि मैं उसे लॉन्ग टर्म में रखूं या फिर तुम्हें हर्ट करूं। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे प्यार तो बहुत किया है पर समझा नहीं है काश प्यार के साथ साथ मुझे समझा भी होता काश समझा भी होता और पता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता इनका मैसेज है आपके लिए कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता कभी नहीं भूल सकती मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता कभी दूर नहीं सा, जा सकती तुमने सोच भी कैसे लिया हाँ तुमने कैसे सोचा कि मैं तुमसे दूर जा सकता हूँ मैं तुमसे दूर जा सकती हूँ तुम्हारी आत्मा कहे ना कहे पर मेरी आत्मा कहती है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो हाँ इतना इनसिक्योर क्यों हो तुम्हें क्या लगता है कोई तीसरा आएगा और मुझे उड़ा कर ले जाएगा नहीं मुझे पाना मैं इतना सस्ता थोड़ी हूं इतनी सस्ती थोड़ी हूं जो यूं ही कोई आया और मुझे लेके चला गया नहीं मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ तुम्हें तो यकीन नहीं है अपनी आत्मा से पूछो हम्म अपनी आत्मा से पूछो आंखें बंद करके गहराई से सोचो जब कोई किसी से नाराज़ होता है जब कभी किसी के बीच बहस होती है तो बहस में लड़ाई झगड़ों में अच्छी बातें नहीं होती हैं बुरी बातें होती हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ भाव ये होता है कि हर्ट करना है वहाँ पर उस टाइम पे मिच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग हर किसी की गुम हो जाती है मेरी भी हो जाती है थोड़ी सी लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हाँ मेरे पास बहुत कुछ है तुमसे कहने के लिए हज़ारों बातें हैं मेरे मन में तुमसे बहुत कुछ कहना भी है तुमसे बहुत कुछ पूछना भी है लेकिन बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज़ ना मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना और ना ऐसा सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं गया हूँ गई हूं। और तुम्हें बिल्कुल भी इंसिक्योर होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी और हाँ। उसके लिए जो मैंने तुमसे कहा जो मेरा बिहेवियर रहा उसके लिए मैं तुमसे कैसे सॉरी बोलूँ शब्द नहीं है मुझे पता है कि मुझे उस वक्त ऐसे नहीं करना था मुझे ऐसे नहीं जाना था हाँ लेकिन हाँ एक बात समझ लो रिश्ता हमारा है किसी थर्ड पार्टी का नहीं कोई भी थर्ड पार्टी हो मुझे कोई छीन नहीं सकता ये समझ लो तुमसे मैं तुम्हारी हूँ तुम्हारा ही रहूँगा तुम्हारी हूँ तुम्हारा हूँ जो भी है आप मेल हैं फीमेल है उस हिसाब से समझिए ठीक है ठीके? और ये बहुत ही जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे एक बात और पता है ये अपनी खुद की इज़्ज़त से ज़्यादा आपकी इज्जत की, की परवाह करते हैं आप भले इस बात को ना माने हम समझ सकते हैं आप शायद ना माने इस बात को लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई है इन्हें आपकी रिस्पेक्ट की बहुत परवाह है कि कोई आप पर उंगली ना उठा के चला जाए इनकी वजह से कहीं आपके कैरेक्टर पर कोई उंगली ना उठा के चला जाए कोई आपको कुछ बोल कर ना चला जाए ऐसा सोचते हैं ये और ये कहना चाहते हैं कि देखो मैं हर हाल में पूरी पूरी कोशिश करूँगी पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि हम जल्दी जल्दी बात करें और हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो मुझे पता है तुमसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता मुझे पता है और तुम भी लिख कर रख लो मुझसे ज़्यादा तुम्हें भी कोई प्यार नहीं कर सकता हम लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन एक दूसरे के बहुत गरीब हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं पर तुम थोड़ा सा मुझे और समझो ना समझोगे ना मुझे थोड़ा सा और समझो बस इतना ही कहना है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है पता है हम दोनों ने जो साथ लम्हे बिताए हैं ना साथ में जो लम्हे बिताए हैं वो सब मुझे बहुत याद आता है तुम्हें क्या रखते मैं भूल गई तुम्हें मैं भूल गया तुम्हें नहीं तुम मेरी रूह का हिस्सा हो और तुम्हें मैं इस जन्म में तो कभी भूल नहीं सकता कभी नहीं भूल सकती हर पल तुम्हारी याद आती है बस मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ ये मैसेज है आपके पर्सन का समझ गए यही मैसेज है उनका यही बात वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी इनसिक्योर ना हो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो वो कहीं नहीं जाने वाले हं? कोई कितना भी सुंदर कोई कितना भी हसीन कोई कितना भी कुछ भी आ जाए वो आपके हैं और आपके ही रहेंगे समझ रहे हैं आप डेयर पायल नंबर वन कंडीशन नंबर वन ठीक तो टेंशन नहीं लेनी है और इनकी जो फीलिंग्स हैं इनकी जो एनर्जी है उस हिसाब से एक प्यारा सा सॉन्ग आप चाहें तो सुन लेना हुँ? और हम भी सुना देते थोड़ा सा आंखें बंद करिए खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो बिन दीवाने का क्या हाल है दिल मेरा देखो न मेरी है पूछो तेरे बिन एक पल जैसे सौ साल है अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें है मेरा जितनी भी है दूरियां फिलहाल है ये दूरियां फिलहाल है हुँ? ये एनर्जी है इनकी खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक पल जैसे सौ साल है हुँ? तो समझेंगे ना इनकी बात को हुँ? कहना चाहते हैं इनका एक मैसेज है कि तमन्ना हो मिलने की तो आंखें नहीं तो बंद आँखों में भी नज़र आएंगे वाह तमन्ना हो अगर मिलने की तो बंद आँखों में भी नज़र आएंगे और महसूस करने की कोशिश तो कीजिए महसूस करने की कोशिश तो कीजिए दूर होते हुए भी हम पास नजर आएंगे वाह चलिए ये इनका मैसेज है तो कंडीशन नंबर वन अच्छा ठीक है कंडीशन नंबर टू की बात करते हैं जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं कहीं ऑनलाइन मिले हैं ठीक है थीके? वो फायर साइन के हो सकते हैं उनकी एज हो सकती है ट्वेंटी टू थर्टी कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव समथिंग इतनी एज हो सकती है और वो हो सकते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस मेल हो फीमेल हो अब देखो इधर थोड़ा सा ना एज डिफरेंस इशू भी है तो एक तो आपको देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाएं हम आपकी बाहों में मर जाएं हम कुछ इस तरह की एनर्जी है इनकी हुँ? बहुत रोमांटिक पर्सन है ये बहुत इमोशनल हैं बहुत दिल से सोचने वाले हैं बहुत केयरिंग हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट हैं दयालु इन्हें आपसे बहुत सारा प्यार हो गया है सोचा नहीं था चाहा नहीं था कुछ ऐसा पर क्या करें कम वक्त धीरे 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 आपकी मोहब्बत में गिरते गए पड़ते गए गिरते गए और आप हो ही इतने अच्छे कि कोई भी आपसे प्यार करे आप हो ही इतने अच्छे कि किसी को भी आपसे प्यार हो जाए देखो जो बाहरी खूबसूरती है भगवान ने आपको बनाया तो फुर्सत से है इनका कहना है कि भगवान ने आपको बनाया तो फुर्सत से बहुत सुंदर हैं आप लेकिन आपकी आत्मा आपका दिल आपका मन भी उतना ही सुंदर है हुँ? सच बताएं, ये आपके साथ ट्विन सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं अब इन्हें पता हो कि ना पता हो कि ट्विन सोल कनेक्शन किसे कहते हैं लेकिन ये फील कर रहे हैं जैसे ट्विन सोल जर्नी में होता है ना कि वो चाहे कितनी भी दूर रहे लेकिन उसके पास होने का एहसास होता है अगर आपकी ज़िंदगी में दुख हो सुख हो तो इनको पता चल जाता है हाँ इनको जैसे एहसास हो जाता है कि कुछ गलत हुआ कुछ बुरा हुआ आप रोगे तो इनको अचानक ही सैड एनर्जी महसूस होगी तो मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये ट्विन सोल कनेक्शन है अब नाम इन्हें पता है कि नहीं कि ऐसे कनेक्शन को ट्विन सोल कनेक्शन बोलते हैं बट इनको लग रहा है कुछ तो स्पेशल है कुछ तो अलग है मतलब कि ऐसा प्यार मुझे पहले कभी नहीं हुआ हो सकता है मैं भी ये मैरिड भी हूँ ठीक है या फिर किसी और के साथ भी कमिटेड हो सकते हैं और आप आप हो सकता है कि इन पर ट्रस्ट ना कर रहे हो आप ट्रस्ट ना कर रहे हो क्योंकि आप ना आप टाइम पास नहीं करना चाहते कभी भी कि भाई आओ बातचीत करो टाइम पास आपको एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए जिसमें प्यार भी हो केयर भी हो रिस्पेक्ट भी हो कंप्लीट रिलेशनशिप टाइम पास नहीं चाहिए आपको और ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो मेरे पास हैं ऑलरेडी कोई मतलब इनकी लाइफ में है लेकिन मैं क्या बताऊँ तुम मेरी बातों को सही तरह से लोगे कि नहीं लोगे लेकिन मुझे ना ऐसा प्यार हुआ जैसे कि पहले कभी हुआ ही नहीं है सच बात यह है कि इन्हें ट्विन सोल कनेक्शन फील हो रहा है और कुछ लोगों के लिए हम बताएं ट्विन सोल कनेक्शन है भी ठीक है महसूस तो आपको भी बहुत कुछ हो रहा है लेकिन आपको इनकी बातों से कभी कभी ये लग सकता है कि ये फ्लर्ट कर रहा है ये आज बहुत प्यार दिखा रहा है बहुत प्यार दिखा रही है कल को ही छोड़ के चली जाएगी चला जाएगा ये ठीक है मतलब आपको हो सकता है कि ऐसा ही लग रहा हो कि इधर कुछ स्पेशल नहीं है और ये जो भी हो रहा है बस ये ऐसे ही हो रहा है चार दिन बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपको ऐसा लगता है लेकिन ये आपसे कहना चाहते हैं कि देखो ये जो मेरा एहसास है ना इतना सुकून दे रहा है कि मैं इस सुकून के लिए कुछ भी कर सकती हूँ कुछ भी कर सकता हूँ चाहे मुझे मेरे करंट पार्टनर को छोड़ना ही क्यों ना पड़े ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ बहुत दुखी हूँ प्रताड़ित हूँ नहीं सब ठीक है नॉर्मल है लेकिन इधर है स्पेशल है उधर तो नॉर्मल है पर इधर है स्पेशल है मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा कि, कि किसी को दर्द न देना पड़े किसी को चीट ना करना पड़े मतलब मेरे ऊपर धोखेबाज का टैग ना लगे और तुमसे बस मेरा रिश्ता कायम रहे अब तुम इसे फ्लर्ट समझोगे टाइम पास समझोगे वो मुझे पता नहीं है लेकिन प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोशिश करूँ ना कि तुमसे दूर चले जाना है ठीक है यार और ठीक है हमारे रिश्ते कोई फ्यूचर नहीं है ठीक है पर पता नहीं क्यों मेरी सांसें रुकने लगती हैं मुझे घुटन होने लगती है ऐसा लगता है कि किसी ने मुझसे ऐसा कह दिया हो कि ठीक है तुम सांसों के बिना ज़िंदा रहो तुम इतने ज़रूरी कैसे हो या कैसे हो गए हो मुझे नहीं पता ऐसा लगता है कि तुम्हारे मिलने के बाद अब कुछ मिले ना मिले चलेगा पर तुम नहीं जाने चाहिए ज़िंदगी से ऐसा लगता है कि अब तक मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मुझे मिला हुआ था वो इनफ नहीं था तुम्हारे मिलने के बाद कम्प्लीशन आ गया है मेरी लाइफ में तो मैं कैसे समझाऊँ ये फ्लर्ट नहीं है ये टाइम पास नहीं है ये सच्ची मोहब्बत है इनका मैसेज है कि माना कि इश्क में ज़बरदस्ती नहीं होती माना कि इश्क में ज़बरदस्ती नहीं होती मगर कम वक्त ये होता ज़बरदस्त है इश्क मोहब्बत ये होता ज़बरदस्त है ये जो प्यार है ना ये ज़बरदस्त तरीक़े से हुआ है और कहना चाहते हैं कि उम्र देखकर मोहब्बत नहीं की जाती मेरे दोस्त उम्र देखकर मोहब्बत नहीं की जाती अगर दिल सच्चा है दिल अच्छा है तो किसी भी उम्र में मोहब्बत हो जाती है हु? इनकी जो भावनाएं हैं इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए उसी भी हम एक सॉन्ग के थ्रू सुनाएंगे क्योंकि इधर दो कंडीशन है और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं बस ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो एक पल के लिए भी आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो हर वक्त हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं आपको पता है इनको कभी कभी लगता है यार मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ कभी कभी अपने विचारों से लड़ाई करते होंगे लेकिन कहाँ हो पाता है ऐसा तो इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए उस हिसाब से हमें एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको चलिए आँखें बंद करिए और आपको हमें बताना होगा कि आपकी कौन सी कंडीशन थी ठीक है सांस लेने से भी ज्यादा तुम ज़रूरी हो गए जी रहे थे हम मधुरे, तुम से पूरे हो गए सांस लेने से भी ज़्यादा तुम जरूरी हो गए जी रहे थे हम मधुरे तुम से पूरे हो गए तेरी धड़कन मेरी धड़कन दोनों दिलों की एक है तड़पन तेरी धड़कन मेरी धड़कन दोनों दिलों की एक है तड़पन हाँ सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए और जी रहे थे अधूरे लेकिन तुमसे पूरे हो गए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में भी बहुत कुछ है पर तुम छुपाते हो तुम बताते नहीं हो शायद तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि आज नहीं कल जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे है ना इतनी ही तुम भी मुझसे करोगे और एक दिन वो ज़रूर आएगा जब मेरी मोहब्बत को फ्लड का नाम नहीं दिया जाएगा टाइम पास का नाम नहीं दिया जाएगा तो डियर ट्रस्ट मी मुझे आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है इतनी हो गई है कि मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता और हाँ मुझ में बहुत एटीट्यूड है अगर मुझे कोई एक बार रिजेक्ट करे ना मुझे सौ बार रिजेक्ट करता हूँ सौ बार रिजेक्ट करती हूँ पता नहीं क्यों तुम्हारे इतने नकड़े सहरा हूँ मैं इतने नकड़े सहरी हूँ तुम्हारे पता नहीं क्यों क्या है जैसे कि तुम कुछ भी कहो लेकिन तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता अब तुम इसे जिस तरह से भी लेना हो ले लो पर ये सच है मेरे दिल की सच्चाई है तो डियर ये है उनकी वर्तमान भावनाएं और ये थे उनके मैसेजेस ठीक है आई होप कि आप समझ गए हैं और समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें ठीक है हमें बहुत अच्छा लगेगा जय श्री कृष्णा अपना ख्याल रखिए अपने अपनों का ख्याल रखिए कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोच रहे हैं बताइए अरे अपने बारे में सोचिए अपनी खुशियों के बारे में सोचिए सब के बारे में मत सोचिए ये जो दुनिया के लोग हैं ना ये कहते रहते हैं इनका मुंह कभी बंद नहीं होगा आप मर के चले जाओगे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तब भी ये कहते रहेंगे हम तो चार दिन की ज़िंदगी है जी लो अपने हिसाब से ठीक है और हाँ देखो ये बात तो हम भूल ही गए थे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं है, हमें पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है हमें बहुत अच्छा लगेगा जय श्री कृष्ण ऑप्शन नंबर टू कैसे हैं आप आई होप कि आप खुश होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव डबल वन डबल वन में डियर आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं और उनका क्या मैसेज है आपके लिए इस रीडिंग में हम यही सब कुछ बताने वाले हैं तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे जमनेल ब्रेक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और सैजिटेरियस मे सिंह राशि ठीक है टॉरस वर्गो कैप्टिकॉन भी है वृषभ कन्या मकर राशि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी थोड़ी सी कम है इधर हमें थोड़ा सा दर्दनाक स्थिति दिख रही है रोना चाहे रो पाए दिल कितना मजबूर है किसे पता है कौन बताए रब को क्या मंजूर है आँखों में आंसू लेके के होठों से मुस्कुराए और हम जैसे जी रहे हैं हम जैसे जी रहे हैं कोई जी कर तो बताए कोई जीकर तो दिखाए सबसे पहले तो ये इनका मैसेज है ठीक और अभी यहाँ पर हमें यही लग रहा है कि सेपरेशन की एनर्जी है बहुत पेनफुल एनर्जी है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते में आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड हो सकता है इधर बहुत सारे लोग मैरिड भी हैं फैमिली के लोग हो सकते हैं इन पता थोड़ी हिम्मत की कमी है थोड़े करेज़स कम है साहस की कमी है अपने प्यार के लिए एक्शन लेना नहीं आता इन्हें अपने प्यार के लिए लड़ना नहीं आता इन्हें इन्हें भ्रमित करना बड़ा आसान सा लोगों को मालूम पड़ता है समझ रहे हैं या फिर हम यूँ कहें कि आप दोनों के बीच कोई इशू होगा कैसा इशू जैसे कि एज डिफरेंस लॉन्ग डिस्टेंस इंटरकास्ट इशू रिलीजन इशू या फिर इनकी फैमिली वालों को आप पसंद नहीं है और इनकी फैमिली वाले इनको इमोशनली आजकल तो जो काम ना हथियारों से नहीं होता ना वो घर वाले तो इमोशनली रो धो के नाटक करके मनवा लेते हैं तुमने अगर ऐसा किया तो हम मर जाएंगे तुमने ऐसा किया तो हम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे तुमने अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा तुमने अगर वैसा किया तो वो हो जाएगा मतलब सामने वाले को इस कदर डरा देते हैं कि चाहे फिर वो बेचारा खुद ही मर जाए चाहे वो खुद ही सुसाइड कर ले खुद ही मर जाए वो पर तुम मत मरो तुम तो मरोगे नहीं बस कह रहे हो पर वो मर जाता है तो ये जिनके लिए भी आप देख रहे हैं हो सकता है कि इनकी शादी किसी और से कराई जा रही हो ठीक है या देखिए देखिए आप दोनों के दरमियान जो भी समस्या है जो भी है पर ये बहुत मजबूर हैं अगर आप इनकी वर्तमान भावनाएं जानना चाहें इनकी करंट फीलिंग्स जानना चाहें तो तन धन मन आत्मा हर तरह से ये आपसे बेानतहा मोहब्बत करते हैं और जो होता है ना कि एक लाइफ पार्टनर के रूप में इन्होंने सिर्फ आपको देखा है ये एक हैप्पी खुशहाल जिंदगी एक हैप्पी मैरिड लाइफ एक हैप्पी फैमिली की कल्पना सिर्फ आपके साथ करते हैं क्योंकि इनको पता है कि मेरा कंप्लीशन किसके साथ है मेरी अंडरस्टैंडिंग किसके साथ है मुझे समझता कौन है कहने को तो बहुत अपने मिल जाते हैं पर जो समझे वही अपना होता है और इनको पता है कि मेरी लाइफ इसके साथ ही कंप्लीट होनी है मुझे सुकून इसके साथ ही मिलता है पर अब मैं कैसे समझाऊँ तो देखिए डियर अभी हम आपकी एनर्जी यहाँ पे नहीं चेक कर रहे हैं हमने हमारी कल की रीडिंग में आ, आप दोनों की करेंट फीलिंग्स बताई थी पर इस, आ, इस रीडिंग में हम सिर्फ इनके मैसेज देने वाले हैं और इनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी में हम यही देख रहे हैं कि जहाँ तक ये बहुत ज़्यादा खुद को दबा हुआ जैसे कि एक बंधा हुआ दुनिया भर की चीज़ों में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं बेबस लाचार महसूस कर रहे हैं ये और ये सोसाइटी के बारे में लोगों के बारे में घर परिवार के बारे में किसी थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इन्होंने मजबूरी में शायद आपसे बातचीत करनी बंद कर दी है लेकिन ये कहना चाहते इनका मैसेज है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है तुम ये मत समझना कि मेरे ना बात करने से हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा इतना मतलब इतना कमजोर रिश्ता नहीं हमारा इतनी कमजोर डोर नहीं है हमारे रिश्ते की जो मेरे ना बात करने से खत्म हो जाएगा भले ही मैं तुमसे वैसे कांटेक्ट में नहीं हूँ भले हमारी बातें अच्छी नहीं हो रही हैं लेकिन मेरे दिल से तुम्हें एक वाइब्रेशन निकलती है हमेशा पॉजिटिव वाली कि मैं आ रहा हूँ वापस मेरा इंतज़ार करना मेरा इंतज़ार करना मेरा इंतजार करना, मेरा, इंतजार करना। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है ऐसे कैसे किसी और का हो जाऊँ मैं नहीं हो सकता नहीं हो सकती आपको पता है ये ना काफ़ी जैसे कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं कि आ, कैसे रिश्तों में बैलेंस क्रिएट किया जाए कैसे माता पिता को मनाया जाए मतलब आपके रिश्ते में जो भी इशू है जो भी प्रॉब्लम है उसको ये इनर लेवल पर जाके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे मेडिटेशन के थ्रू और इनके अंदर जो कमियां हैं इनके अंदर जैसे कि हिम्मत नहीं है ना इनके अंदर साहस नहीं है ना तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं कैसा काम कर रहे हैं अपने ऊपर जैसे इनके अंदर हिम्मत आ जाए साहस आ जाए कोई इन्हें बताए कि ये ध्यान करने से ये होता है इस चक्र पर मेडिटेशन करने से ये होता है तो ये अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए और करेजस बनने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं समझ सकते हैं आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं ये और पता है आप इनकी जिंदगी में आए इसके लिए ये यूनिवर्स के बहुत आभारी हैं कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं कि आपको पाकर अप्रिशिएट नहीं करते बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मुझ जैसे बुजदिल इंसान को इतना अच्छा इंसान मिला फिर भी मैंने उसे अपनी बुजदिली से खो दिया मैंने उसे खोया इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ लेकिन वो मुझे मिला इसके लिए मैं यूनिवर्स का बहुत आभारी हूँ और मैं उसे दोबारा वापस पा के रहूँगी पा के रहूँगा ये इनका संकल्प है ये समझ लीजिए ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पिक्चर्स अभी भी मेरे पास हैं और आ, माना कि मैंने समाज में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया मैं घर वालों की बातों में आ गया आ गई और या फिर मैं डर गया ऐसा समझ लो पर यार फोन से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता फोन में तुम हमेशा रहोगे रोना आता है सोच के कि कब मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कब मैं इतनी स्ट्रांग बनूंगी जब मैं खुल के कह सकूं कि तुम मेरे हो तुम मेरी हो कब में हिम्मत आएगी कब मेरे अंदर का डर खत्म होगा मेरे घर वाले मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बहुत डरा के रखते हैं यार ऐसे ऐसी बातें करते हैं कि मेरा दिल कांप जाता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह लंबे समय तक नहीं चल पाएगा एक बात और मेरे दिल में किसी और को पाने की कोई तमन्ना नहीं है मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो तुम ये समझ लो अरे वाह इस ख्वाहिश से तो हमें सॉन्ग याद आ गया चलिए आँखें बंद करिए अब सुनाते हैं आपको इनकी फीलिंग्स के हिसाब से सॉन्ग ठीक है आंखें बंद करिए पहली मोहब्बत का एहसास है तू पहली मोहब्बत का एहसास है तू बुझ के जो बुझ न पाई वो प्यास है तू तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखिरी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत आशिकी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है हुँ? देखो दोस्ती तो बहुत लोगों से होती है ज़िंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा रहता है पर मोहब्बत किसी किसी से होती है दोस्त तो बहुत सारे होते हैं पर सच्ची वाली मोहब्बत सच्चा वाला प्रेम किसी किसी से होता है और वो प्रेम मैं तुमसे करता हूँ और वो प्रेम मैं तुमसे करती हूँ बस तुम तो हमेशा कहते हो ना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं तुम ईश्वर से डीपली कनेक्ट हो मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते कि मुझ में भी हिम्मत आ जाए मुझे भी साहस आ जाए मुझे पता है मेरी फैमिली वाले मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे पता है मैं जानता हूँ यार मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं उन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है उन्हें मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है मुझे क्या पसंद है मुझे क्या पसंद नहीं है मैं किसके साथ खुश हूँ उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है नहीं उन्हें कोई मतलब मैं सब जानता हूं लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को हर्ट नहीं किया अब बस यही लगता है कि जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया मेरे लिए इतना कुछ किया मैं उन्हें हर्ट कैसे करूं बस इतनी सी बात है इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं मैं कि लोग कल को कहेंगे कि चार दिन के आए इंसान के लिए तुम उनको भूल गए जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की इतना कुछ किया तुम्हारे लिए बस कुछ ऐसा करो कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करो कि सब अच्छा हो जाए मैं तो कर रहा हूं मैं तो कर रही हूँ पर तुम भी करो ना मेरे लिए अभी पता है तुम ये ना समझो कि मेरी आंखों में पट्टी बंधी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सब समझ मा... सब समझ में आता है मुझे सब समझ में आ रहा है तभी तो मैं हीलिंग कर रहा हूँ तभी तो मैं हीलिंग कर रही हूँ हाँ मैं हीलिंग कर रही हूँ मुझे सब दिखता है मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है सब समझ में आ रहा है मुझे लेकिन अभी फिलहाल मैंने खुद को ईश्वर को सौंप दिया है अभी फिलहाल मैं यूनिवर्स के हिसाब से चल रहा हूँ अभी फिलहाल मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता अभी फ्लो के हिसाब से चल रहा हूँ जो हो रहा है उसे होने देता हूं बस मुझे थोड़ी सी हिम्मत आ जाए और कुछ ऐसा हो जाए कोई ऐसी घटना घटे घर में कोई ऐसी बात हो जिससे मेरे अंदर हिम्मत आ जाए और मैं एक सेकंड में सब कुछ खत्म करके तुम्हारा हाथ पकड़ लू ऐसा ऐसा चल रहा है इनके मन में ये कहना चाहते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत जिंदगी भर रहेगी तुम मेरी हिम्मत हो तुम मेरी ताकत हो तुम मेरी ज़रूरत हो कुछ भी समझो तुम सब कुछ हो मेरा हाँ और तुम्हारी ख्वाहिश हमेशा मेरे दिल में थी और रहेगी देखो मेरा बहुत मन हो रहा है तुमसे बात करने का पर पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ मैं और मुझे ये भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं हम दोनों की सेम फीलिंग्स से हैं एक दूसरे को लेके जो तुम फील करते हो ना वो मुझे यहाँ महसूस होता है अगर तुम दर्द में हो तो भी मुझे महसूस होता है सब मुझे यहाँ पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है हम आत्मा से जुड़े हैं दिमाग से नहीं आत्मा से एक दूसरे का सब कुछ पता चलता है हाँ तो तुम ऐसा ना समझो कि आ, मुझे बेवकूफ़ लोग बना रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर मैं किसी की बातों में आ गया ऐसा कुछ नहीं है बस मैं उनको दिखा रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि मैं अंधियों में अंधा हूँ तो उनकी खुशी के लिए मैं उनको दिखा भी रहा हूँ कि हाँ मैं अंधियों में अंधा हूँ लेकिन कुछ ऐसा हो तो सही जब मैं उनके सामने अपनी आंखें खोलकर कर दिखाऊँ कि मैं अंधा नहीं था मैं अंधी नहीं थी मुझे सब पता था हाँ और तुम मेरी बात सुनो तुम ना करियर पर ध्यान दो अपनी पर्सनालिटी को और डेवलप करो तुम मेरे बारे में मत सोचो मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगी तुम ये मत सोचो कि तुमने मुझे खो दिया है नहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और तुम मुझे कभी नहीं खो सकती मैं कभी दूर नहीं जाऊँगा कभी दूर नहीं जाऊँगी बस तुम ना अपने बारे में सोचो फिलहाल अपने आप को और निखारो अपने करियर पर ध्यान दो अपनी स्टेबलिटी पर ध्यान दो मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगे और देखना मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे हंड्रेड परसेंट रिज़ल्ट मिलेगा बस तुम मुझे धोखेबाज़ तुम मुझे चीटर इस तरह की चीज़ें मत बोलना ठीक है और हमारी कहानी हमारी प्रेम कहानी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती ये समझ लो अब शुरुआत होगी बस थोड़ा सा मेरे दिन अच्छे हो जाएं और तुम्हारे दिन अच्छे हो जाएं बस उसके बाद सबको दिखाना है कि प्यार किसे कहते हैं रिश्ता किसे कहते हैं ये समझ लो आप में से बहुत सारे लोगों को रैम्बो दिख रहा होगा येलो कलर की ट्विंस बटरफ्लाई दिख रही होंगी हाँ और या फिर सपने में न्यू बॉर्न बॉर्न बेबी दिख रहा होगा आपको कोई छोटा बच्चा वही दो चार महीने का कुछ ऐसा अगर ऐसा दिख रहा है तो आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है और इसके लिए यूनिवर्स भी आपको साइन दे रहे हैं बहुत सारे ये समझ लीजिए आप कि आपको यूनिवर्स बहुत सारे साइन दे रहे हैं बहुत सारे लेकिन आप ही उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप ना साइंस पर ध्यान दो आपको ट्रिपल टू दिख रहा होगा डबल फोर ट्रिपल फोर दिख रहा होगा ठीक है ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे इन पर ध्यान दो क्योंकि इन नंबर्स का मतलब यही है कि धैर्य रखो अधीर मत हो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो सब अच्छा होगा यहाँ समय से पहले कुछ नहीं होता और समय से पहले कुछ करने की कोशिश करोगे तो सब खराब हो जाएगा सब बर्बाद हो जाएगा ठीक है ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं डियर पायल नंबर टू और ये व्यक्ति आपसे बेानतहा मोहब्बत करता है बस ये इनके अंदर थोड़ी हिम्मत नहीं है थोड़ा डरपोक टाइप के हैं कुछ चीज़ों के लिए भले ये दिखाते हों कि ये ये हैं वो हैं लेकिन ये आ, समाज का सामना करने में सक्षम नहीं है अभी इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि अपने परिवार के ख़िलाफ़ जा सकें ये समझ लो और कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी है जो हर हाल में इनकी ज़िंदगी से आपको हटाना चाहती है हर हाल में बस इतना समझ लो बाक़ी इन्हें प्यार भी है अटैचमेंट भी है अपनापन भी है सब कुछ है और जो ज़िंदगी जीने की कल्पना है ना शादीशुदा वाली वो आपके साथ ही देखी है बच्चे आप ये ऐसी ज़िंदगी एक फुल कंप्लीट फैमिली और इनको ऐसा लगता है एक बात और बता देते हैं जिनके लिए भी आप देख रहे हैं अगर ये अनमेरिड पर्सन है अगर इनकी फैमिली नहीं मानी तो ये संन्यास ले लेंगे पर शादी नहीं करेंगे इनके मन में इस तरह के विचार भी करेंटली चल रहे हैं कि मैं फिर अपने घर वालों को यही दिखा दूंगा कि वो नहीं तो कोई नहीं फिर ठीक है बात ख़त्म खत्म करो बात जैसे कि मान लो आप लोग मैरिड हो ठीक है आप मेल हो फीमेल हो जो भी इनकी फैमिली वाले आप दोनों को अलग करना चाह रहे हैं अब स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है यहाँ सब अपने स्वार्थ से रिश्ते बनाते हैं चाहे कोई सा भी रिश्ता क्यों ना हो स्वार्थ है तो रिश्ता है स्वार्थ नहीं तो रिश्ता ख़त्म तो शायद अलग करने की कोशिश कर रहे होंगे कभी कभी लोग अपने बच्चों को भी ना एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमने कहा शादी कर लो अब हम कह रहे छोड़ दो ये भी कोई बात होती है मतलब उस सामने वाले की कोई इमोशंस नहीं है कोई जज्बात नहीं है अब वो दिल से जुड़ गया लेकिन माता पिता कह रहे छोड़ दो उसको ऐसे कैसे लेकिन कुछ बच्चे इतने आज्ञाकारी होते कि भाई ठीक है मर जाते हैं अंदर से टूट जाते हैं पर छोड़ना पड़ता है शायद कुछ लोगों की स्टोरी कुछ ऐसी भी हो तो वही बात है कि इनके मन में इस तरह की तब बातें हैं कि फिर मैं इनको दिखा ही दूंगा ढंग से कि चाहे मुझे सन्यास लेना पड़े चाहे मैं एक नॉर्मल एक सिंगल लाइफ ज़िंदगी भर जी लूँ लेकिन फिर मैं किसी और का नहीं बनूंगा किसी और की नहीं बनूंगी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें अभी जितना इन्होंने पेशेंस धारण कर रखा है उतना ठीक है ऐसे ही सिचुएसन है ये समझ लो और दियर पायल नंबर टू इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें आपसे प्यार नहीं इन्हें आपसे प्यार बहुत है बस अभी दिखा नहीं रहे हैं कभी कभी पता है जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है सच्चाई कुछ और होती है बस इतनी सी बात है यही इनका मैसेज है कि तुम बस मेरा इंतजार करना मैं आ रहा हूँ वापस मेरा इंतज़ार करना न तुमसे अच्छा कोई चाहिए न तुम सा कोई चाहिए सिर्फ तुम चाहिए हर हाल में तुम चाहिए और मैं तुम्हें पा कर रहूंगी तुम्हें पा कर रहूंगा तुम नहीं तो कुछ भी नहीं बस ठीक तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और समझ गए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ठीक है जय श्री कृष्णा अपना ख्याल रखिये अः अपने अपनों का ख्याल रखिए ठीक है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें ढेर सारा मोटिवेट कर सकते हैं और हाँ एक लाइन हम भूल गए कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है ठीक है एक बात बताएं आपको ये कोई स्क्रिप्ट नहीं कि हम डायरेक्टली दोहरा देते हैं हम दिल से कहना चाहते हैं आपको दिल से थोड़ी सी खुद के बारे में बात पता है आपको हम ज्यादा लोगों की परवाह नहीं करते हैं। हमारी जिंदगी का पता है एक ही मकसद है बस हमें कैसे सुकून मिलेगा हम कैसे खुश रहें क्योंकि सबसे पहले आपका जो सर, आपका जो साथी होता है ना आपका शरीर होता है लोगों की ताने बाने से आप अपने शरीर को तोड़ देते हैं है ना तो ज़्यादा लोगों की परवाह मत करो यहाँ जिन्होंने लोगों की परवाह भी कर ली ना मरते मरते उनका विचारों का कुछ नहीं हुआ करो परवाह करो पर इतनी भी मत करो कि सामने वाला आप पे अत्याचार कर रहे हो और आपको नहीं 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 इस तरह के लोगों के लिए हम कहते हैं कि परवाह मत करो बाकी अपने अपनों का भी ख्याल रखो अपनों का ख्याल रखने का मतलब कि जो आपसे प्रेम करते हैं आप उनसे भी प्रेम करो हाँ ठीक है अब मिलेंगे कल फिर से एक प्यारी सी रीडिंग के साथ और उसका टॉपिक किस टॉपिक पर रीडिंग होनी चाहिए आप सब आज हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे ठीक है जय श्री कृष्ण आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम मणिपद में हम ओम साई राम